और मेरे को रोना आ रहा ना, ये लोग हंस रहे हैं मेरे पे कि तू रो रही है। मैं सच बता रही, जिस टाइम उन्होंने वो वीडियो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त चकाचक होंगे मेरी तरह। मैं करिश्मा देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल करिश्मा बिज ब्लॉग में। और ब्लॉग अभी 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आज तो रात भर बारिश लगी हुई थी, अभी भी 10 बजे तक इतनी तेज बारिश लगी थी ना, पूरी सड़क भीग गई है, भीग गई मतलब सॉरी भर गई है। और जो सामने खेत खाली थे ना, वो भी भर गए, पूरे ऐसे फुल हो रखे हैं ना, तो समझ में नहीं आया। मेरे को बाहर भी जाना था, अभी मेरे भाई की छुट्टी है तो उसके साथ जाऊँगी मैं, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में जा रही हूँ, जानवर का हॉस्पिटल है वो, तो वहाँ मुझे लाली और काली के लिए दवाई पता करनी है, क्योंकि उनको पता क्या लंबी वायरस हो रखा है। तो काली लाली तो ठीक हो गई है, क्योंकि उसके जो फोड़े वगैरह थे ना, वो फूट के सही हो गए, वो घास खा रही थी, घास खाना नहीं छोड़ा उसने, वो ठीक हो गई है। लेकिन जो काली है ना, छोटी बच्ची, उसने घास नहीं खाया, दूध भी थोड़ा पी रही है, इतना नहीं पी रही है, तो उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो उन्होंने जो वीडियो भेजी थी ना, उसको देख के तो मेरा मन ऐसा हो गया था ना, पता नहीं अजीब सा, मतलब मेरे से देखी भी नहीं गई वो वीडियो, और उसके मतलब ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, और अजीब से छिलके से निकल रखे ना उसके, तो वहाँ पे ना घाव हो गया बहुत ज़्यादा। और मेरे को रोना आ रहा ना, ये लोग हंस रहे हैं मेरे पे कि तू रो रही है। मैं सच बता रही, जिस टाइम उन्होंने वो वीडियो भेजी थी ना, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अभी हंसी आ रही, रोना भी आ रहा, क्या करूँ, वो ठीक ही नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से दवाई पता करती हूँ, अगर ठीक हो जाएगी तो, नहीं तो मैंने पता मन बना लिया था कि मैं यही घर चली जाऊँ। लेकिन ना मम्मी लोग बोल रहे अब राखी के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो राखी होके जाना। मम्मी ने भी बोला तू यहाँ आके क्या ही करेगी, कौन सा तुम सही कर पाएगी उसको, तो मतलब तो मैं इसीलिए जा रही हूँ। बाकी वहाँ मनु डॉक्टर दवाई वगैरह भी ला ही रहे हैं, और वहाँ जो इंसानों का डॉक्टर नहीं है ढंग से, तो जानवरों को क्या ही होगा ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं एक बार पता कर लूँ, जो दवाई बताएं अगर वो ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पता नहीं हो। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं अभी थोड़ा सा जा रही हूँ। आज मेरी बाइक की छुट्टी थी उस साइड, मतलब या तो आप बुकिंग करके जाओगे गाड़ी, या आपके पास पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए, तो इसकी छुट्टी आज, तो मैंने सोचा इसको लेके जाती हूँ, स्कूटी यही लेके जाता है, घर पर नहीं रहती है। और पीछे से ये लोग मेरा मजाक भी बना रहे हैं, अब मैं क्या करूँ यार, मेरे को रोना आ जाता है, मेरे से नहीं देखा गया उसका। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ पहले। ये देखो ऐसे वो है ना, ये मजाक बना रहे मेरा, बदतमीज लोग। खराब हो रहे ना, वो तो बेचारा कर ही रहे, मम्मी लोग बहुत कर रहे हैं, पर वो पता क्या, जैसे दवाई भी लगा रहे ना, वो चार दे रही है उसको, और जैसे कुछ और भी डाल रहे, तो जलन हो रही है, डेटॉल वगैरह डाल रहे, जलन हो रही है उसको, इधर उधर भाग रही है, तो उसको दिक्कत हो रही है, अब क्या कर सकते हैं ना। दोस्तों इन लोगों ने अभी तक मेरा इतना मजाक बनाया है ना, मेरे को रोना आ गया। वैसे मैं जैसे कैमरा देखती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा रोना नहीं आता, पर पता नहीं क्यों उसके बाद आके मेरे आंसू आ गए, ऐसे होता है मेरे साथ। तो मैं देखो मम्मी ने मेरे को क्या क्या दिया है, ये कल रात का हलवा, कल मेरे फास्ट था ना, तो पापा को हलवा बहुत पसंद है, तो बनता ही बनता है। ये भी कल रात का ही है, पूरी भी थी पर मैंने पूरी नहीं खा रही हूँ। और ये मम्मी ने चाय नहीं दी है मेरे को, केला और दूध मिला के दिया कि मोटी हो जाएगी कुछ दिन है। हाँ आप तो चाय के ही शौकीन हो, पापा को दिन भर कितनी चाय दे दो ना, पापा मना नहीं करेंगे। हाँ तो हलवा भी पापा की वजह से ही बनता है, मैंने ही बनाया था कल रात को। गाइस नाश्ता हो गया है, तो अब मैं करती हूँ अपना सोला सिंगार, और फिर हम चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। अपना ये सोला सिंगार बहुत जरूरी है दोस्तों। तो I'm ready, चलो चलते हैं। चल तू रेनकोट लेके, अब मैं छाता लेके आ रखी हूँ, तो अपना देख लियो कितना तेज बन रहा है। बोल रहा मैं तो अपने लिए रेनकोट ला रखा, तू अपना देख लियो। बल सीधा रास्ते से आया है और अमरूद पे हमला कर रहा है, पग गए वो, देखो दो ही दिन में कितने पग गए, दो ही बचे हैं इसने, थोड़े एक ही तोड़ना, दोनों तोड़ेगा, उधर वाला ज्यादा पक रखा राहुल, पीछे वाला कच्चा नहीं है वो पका है, पीछे वाला ज्यादा येलो हो रखा, इसको रहन दे आगे वाले को, पीछे वाला तोड़, वो देखो ऐसे टूट गया बिना जोर लगाए।
रास्ते में लोगों के ना अमरूद के पेड़ दिख रहे थे ना, मेरे को लालच आ रहा था सब में पेड़ में अमरूद लगे हैं आजकल, अच्छा लग रहा है, मतलब पेड़ पे दिखने में अच्छा लग रहा है। वैसे खाने में इतना ज़्यादा नहीं पसंद मेरे को, पर पेड़ का अच्छा लगता है। तो मुझे ध्यान आया कि हमारे भी पकने वाले हैं, तो राहुल ने बोला मैं तोड़ूंगा उनको जाके, क्योंकि मैंने नहीं खाया, तुमने खाया और मुझे नहीं दिया। दवाई तो मैं ला गई हूँ ना, और ये दवाइयाँ मैंने पता मिस्टर जी को सेंड करी है व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने ये पर्चा दिया उन्होंने लिख के, इसमें भी एक दवाई है, तो यही दवाइयाँ मैंने उनको भेजी, तो उन्होंने बोला सेम दवाइयाँ मैंने ला रखी है, ये फीवर और उसकी है पेन के लिए, मतलब दर्द और बुखार के लिए है ना, तो ये दवाइयाँ तो वो दे रहे हैं उसको, उसके साथ साथ बीटाडीन वगैरह भी लगा रहे हैं उसके घाव पर, तो उनसे तो वो ठीक हो नहीं रही है। बाकी डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर नीम का पानी पिला सकते हो तो नीम का पानी पिलाओ, और लगाओ भी उसको, दूसरा सौंफ का पानी भी पिलाओ, क्योंकि जैसे ये लंपी वायरस होता है ना, तो इससे गर्म बहुत हो जाते हैं उनकी बॉडी, और गर्म के वजह से उनके जो फोड़े निकलते हैं वो फट जाते हैं, तो अंदर उनमें बहुत गर्मी रहती है, तो इसलिए अगर सौंफ का पानी पिलाएंगे तो उससे थोड़ा टेम्परेचर सही रहेगा उनका, और क्या पता फिर थोड़ा ठीक हो जाए। तो यही कुछ बताया उन्होंने, ऐसा कुछ खास बताया नहीं है, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा जब यही चीज़ें वहाँ भी है और जो दवाई वो बता रहे हैं वो भी है, तो फिर ठीक क्यों नहीं हो रही है। लाली तो ठीक हो गई, एक बड़ी गाय को भी हुई थी वो भी ठीक हो गई, लेकिन काली ठीक नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। मन्नू अपनी तरफ से जो हो सक रहा है वो कर रहे हैं, सुबह शाम दवाई लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, दिन में भी आके लगा रहे हैं, जैसे वो ऑफिस से आते हैं तो एक बार दवाई फिर से लगाते हैं, खाने वाली तो वो सुबह शाम ही दे सकते हैं बस आधी आधी, और दवाइयाँ भी शायद ज़्यादा गर्म हो रही है, तो बीच में उन्होंने 2 दिन नहीं दी थी क्योंकि उसको गर्म भी हो रहा था। बाकी आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन हो या कुछ सोल्यूशन हो तो मुझे बताना ज़रूर। बाकी सुबह जिस तरह से ये लोग मेरा मजाक बना रहे थे, तो मुझे लग नहीं रहा मैं ये वाला ब्लॉग डालूंगी, लेकिन डालूंगी क्योंकि जब मैं सबको शेयर कर सकती तो ये क्यों नहीं शेयर करूँ आपके साथ, है ना। मुझे क्या करना है, जिसको जो लगे लगे, जब मैं YouTube पे हूँ तो इतना शेयर करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। जिसको होगी मत देखना, ठीक है, साफ हो सकती बात।